नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश की सियासत के बारे में, हम बात करेंगे आरजेडी के बारे में, बात करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव के उस बयान के बारे में जिसके बाद से ये बात कही जा रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने शायद ये फैसला जो है एक अहम और जरूरी फैसला लिया है, क्योंकि पिछले दिनों जब कैबिनेट का एक तरह से कह लें कि विस्तार हुआ और जिस तरह से खबरें निकल कर सामने आ रही है, विपक्ष लगातार नई गठबंधन पर जो है आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव की तरफ से जो है 6 अलग अलग जो है सुझाव अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और मंत्रियों के लिए दिया गया है। सबसे पहला जो सुझाव है तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से, उन्होंने कहा है कि राजद के कोटे से बने सभी मंत्रियों से आग्रह किया है कि वे विभाग में अपने लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदे, यानी कि पहले से जो गाड़ी विभाग के पास मौजूद है वो उसी गाड़ी का इस्तेमाल करें। कई तरह की किरकिरियां पिछले दिनों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की एक बैठक को लेकर हुई थी, शायद इन सब चीजों को सीख लेते हुए राजद जो है वो अब जो है आगे बढ़ती हुई दिख रही है। एक तरह से कह लें कि तेजस्वी यादव का जो दूसरा बयान सामने आया उसमें तेजस्वी यादव ने लिखा है कि अपने मंत्रियों से आग्रह इस बार फिर से किया, जिसमें कहा कि उम्र में जो भी व्यक्ति चाहे वो कार्यकर्ता हो, शुभचिंतक हो, समर्थक हो या फिर कोई अन्य हो, उन्हें अपने पांव नहीं छूने दें। शिष्टाचार और अभिवादन के लिए जो है हाथ जोड़कर प्रणाम और नमस्ते या फिर आदाब की परंपरा को जो है आगे बढ़ाएं। तो जिस तरह से पैर छूने की एक परंपरा रही है उसमें ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम जो है इस व्यक्ति के बहुत करीबी व्यक्ति हैं, तो ऐसे में इन सब चीज़ों से जो है राजद को साफ तौर से दूर रहने की बात जो है तेजस्वी यादव ने कही है और साफ तौर पर कहा है कि आप जो है एक दूसरे के प्रति प्यार रखें, मोहब्बत रखें, लेकिन पैर छूने के बाद से जो है उस तरह की दिलचस्पियाँ ना दिखाएँ, क्योंकि उससे जो है लगता है कि उस व्यक्ति का जो है उससे ज़्यादा लगाव है। तीसरा और अहम जो पॉइंट है उसमें तेजस्वी यादव ने बताया है कि राजद कोटे से बने मंत्रियों से उन्होंने आग्रह किया है कि वो सभी के साथ सौम्य और शालीनता का व्यवहार करें, बातचीत सकारात्मक रहे, इसका आग्रह किया है। सादगी से पेश आते हुए सभी जाति धर्म के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को मदद करने को सलाह जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने मंत्रियों को दिया है। तो इस पॉइंट में जो चीज़ें निकल कर सामने आई उसमें ये बात जो है वो लगातार जो है विपक्ष इन पर आरोप लगाता रहा, जिसमें कहा जा रहा है कि सभी जाति और धर्म के लोगों के साथ जो है सादगी पूर्वक जो है पेश आने की बात कही जा रही है। अब तक जंगल राज पार्ट 2 की कई हेडलाइन से जो है मीडिया की खबरें बनती रही है और बन भी रही है। ऐसे में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि सभी लोगों के साथ जो है राजद के जो मंत्री हैं, राजद के जो कार्यकर्ता हैं, वो सादगी से पेश आए ताकि लोगों के प्रति जो है हमारा विश्वास बढ़े, हम जो है उनके प्रति काम करने का जो हमारा मोटो है वो जो है जागृत हो सके और शालीन व्यवहार का पालन करने को जो है साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने जो है अपने मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर निर्देश दे दिया है। अगला पॉइंट देखेंगे जिसमें तेजस्वी यादव ने क्या कहा। तेजस्वी यादव ने अपने मंत्रियों से आग्रह करते हुए कहा है कि किसी से भेंट स्वरूप पुष्पगुच्छ गुलदस्ता लेने के बदले तोहफे में किताब कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा दें। तेजस कर लें कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले और देखें कि इस पूरे विषय से थोड़ा सा अलग होकर देखें तो तेजस्वी यादव ने जो ये बात कही है ये कहीं ना कहीं जितने बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, जो एक तरह से कह लें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जो मानते हैं, जो दलित चिंतक के रूप में अपने आप को कहते हैं या फिर दलित चिंतक के रूप में हैं, वो इस बात को लेकर जो है सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि कलम और किताब जो है एक दूसरे से जब आदान प्रदान हो, चीज़ें जब एक दूसरे के यहाँ जाएँ, आप किसी के जन्मदिन में जाएँ तो उसको जो है किताब कलम दें ताकि वो व्यक्ति जो है पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। और हमेशा बाबा साहब ने भी इस बात का जोर दिया था कि किताब कलम जो है वो व्यक्ति को एक आखिरी स्थिति यानी कि ऊंचाई तक पहुंचाता है। ऐसे में राजद की तरफ से, राजद सुप्रीमो कह लें इन दिनों, जिस तरह से तेजस्वी यादव का कद बढ़ा है राजद में, तो उन्होंने साफ तौर पे अपने मंत्रियों से आग्रह किया है कि अगर आप पुष्प गुच्छ किसी से लेते हैं या देते हैं उसके बदले में जो है आप किताब और कलम का इस्तेमाल करें, जिससे कि लोगों में एक तरह की जागरूकता हो कि वो पढ़ने के प्रति जो है आगे बढ़ सके। अगला जो पॉइंट है उसमें डिप्टी सीएम ने अपने मंत्रियों को सलाह दिया है कि विभागीय कार्यों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ईमानदारी, पारदर्शिता, तत्परता और त्वरित क्रियान्वयन की कार्यशैली को बढ़ावा दें। यानी कि जिस तरह से कैबिनेट का विस्तार हुआ उसके बाद ये कहा गया कि
मंत्रियों को हम देख रहे हैं कि वो ज्यादा एक्टिव है कामों के प्रति, जिस तरह से तेज प्रताप यादव को देखा कैबिनेट में, जिस दिन उनको जो है अपना विभाग मिला उसके बाद अगले ही दिन वो जो है चिड़ियाघर पहुंचे और वहां वन विभाग की तमाम स्थितियों को देखने की कोशिश की। उसके बाद कई अलग अलग विभागों में मंत्री जो है वो भी लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईमानदारी पूर्वक जो है काम करने की बात कही, उसमें जो है पारदर्शिता बरतने की बात कही, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, साथ ही साथ आप जो है तत्परता पूर्वक यानी जितनी जल्दी हो सके अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उस पर जो है इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा सके, इन सब चीज़ों को लेकर जो है आगे बढ़ने की बात कही है। कहा है कि हम जो है काम करने को लेकर आए हैं। उन्होंने अपने शुरुआती बयान में भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम जो है काम करने के लिए आए हैं और हम जो है काम करेंगे। तो इन सब चीज़ों से हम देख सकते हैं कि ईमानदारी पूर्वक काम करने की बात कही गई, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कही, तुरंत काम करने की बात कही गई है और जो है जितनी जल्दी उसको आखिरी स्थिति तक पहुंचाया जा सके इस तरह की कार्यशैली लाने की बात जो है अपने बयान में तेजस्वी यादव कह रहे हैं अपने मंत्रियों को। वहीं अगर हम अगला पॉइंट देख लें तो इसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार एवं अपने अधीनस्थ विभागों के कार्य योजना और विकास कार्य का सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार प्रसार हो सके ताकि आखिरी जनता तक जो है इस बात को पहुंचाया जा सके। लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सरकार जो है इस समय वर्तमान में किन किन योजनाओं पर काम कर रही है, किस तरह की योजनाओं पर काम कर रही है, तब वो जो काम हो रहा है वो आखिरी व्यक्ति तक पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी जो है देने की बात जो है मंत्रियों को कहा गया है कि आप इस तरह के भी कार्य करें। हमने पिछले बार में देखा, पिछला जो स्लाइड था उसमें कि जितनी जल्दी हो सके तत्परता पूर्वक जो है कोई भी योजना बनती है तो उसको क्रियान्वयन कैसे किया जा सके, उसकी आखिरी स्थिति तक कैसे पहुंचा जा सके। तो ये सब जो सलाह है तेजस्वी यादव का, छो अलग अलग सलाह जो है आज उन्होंने अपने मंत्रियों को, एक तरह से कह लें अपने कार्यकर्ता और नेताओं को भी दिया है कि आप जब सरकार में आए हैं तो उसको किस तरह से जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये थी बिहार के सियासत से जुड़ी खबरें, बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।